तो दोस्तों YouTube इंडिया में अब इस वक्त तो हो चुका है एक बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सबके चहेते केरी मिनाटी इस वक्त बन चुके हैं इंडिया के नंबर वन क्रिएटर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पूरा किस्मत का खेल है, क्योंकि आज से एक महीने पहले केरी मिनाटी इंडिया के टॉप 5 यूट्यूबर में भी नहीं आते थे, लेकिन उनका टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब वाला वीडियो जो सुपर हिट हुआ था, उसके बाद केरी मिनाटी टॉप 5 में भी आ गए और देखते ही देखते वो टॉप 2 की पोजिशन पर आ चुके थे। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में केरी मिनाटी का एक और नया वीडियो आया है जिसका टाइटल है एल्गार। दोस्तों इस वीडियो को रिलीज हुए आज समय हुआ है लगभग 17 घंटे का, लेकिन दोस्तों 17 घंटे में ही इस वीडियो ने यूट्यूब पर कई रिकॉर्ड बना दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एल्गार सॉन्ग को अभी तक 25 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, वही इस सॉन्ग पे 4.5 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट लगभग 8.5 लाख हो चुके हैं। तो दोस्तों केरी मिनाटी का एल्गार सॉन्ग भी हो चुका है ब्लॉकबस्टर। हालांकि दोस्तों बात करें कि इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ही अमित भड़ाना के सबसे पहले 20 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे और इंडिया में अमित भड़ाना नंबर 1 क्रिएटर बन चुके थे। लेकिन दोस्तों केरी मिनाटी ने जो शाम को एक वीडियो डाला था यानी कि एल्गार सॉन्ग, उसके बाद से केरी मिनाटी के जो सब्सक्राइबर है वो फिर से गेन हुए और केरी मिनाटी ने अमित भड़ाना को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन पे जगह बना ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरी मिनाटी के इस वक्त यानी कि जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब तक 20.6 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वही दोस्तों अमित भड़ाना के हैं 20.4 मिलियन सब्सक्राइबर। यानी कि दोस्तों केरी मिनाटी ने अमित भड़ाना को पीछे छोड़कर इंडिया के नंबर 1 क्रिएटर का जो टैग था अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों केरी मिनाटी को नंबर 1 यूट्यूबर बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह केरी मिनाटी आगे बढ़ते रहे और उनके फटाफट 30 मिलियन, फिर 40 मिलियन और फिर 50 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाए और केरी मिनाटी हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहे। हालांकि दोस्तों अगर आप केरी मिनाटी के फैन हैं तो केरी मिनाटी का अब तक का फेवरेट वीडियो आपका कौन सा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।